बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सॉरी, क्या नाम है इसका, क्या हो गया मुझे, कौन से मुल्क की मैंने बनाई थी, वो गॉड मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। साउथ कोरिया, सॉरी, साउथ कोरिया के वीज़ा की मैंने एक जो वीडियो बनाई है वो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी। एक चीज़ उसकी ये है कि मैंने वैसे तो उसमें बड़ी डिटेल में बात की थी, उसमें ये था फैक्टर कि वो लोग बहुत छुप के बैठे हुए हैं, मतलब बिल्डिंग के अंदर तो आने नहीं देते और बेंचें बाहर लगाई हुई हैं कॉन्सुलेट के, तो वहाँ आप बैठो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है कुछ भी। मैं तो गर्मियों में गई थी, खैर वहाँ माशाल्लाह से जो गार्ड बाबा थे बूढ़े से, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम पंखा अपनी तरफ कर, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, इतना रश था, तो मैं खड़ी हुई थी, तो उन्होंने अपनी चेयर खाली करके कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ और पंखे का रुख भी मेरी तरफ कर दिया, और जो स्टैंड वाला पंखा होता है तो माशाल्लाह से ये तो अच्छा हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि वो एक उन्होंने अंदर पता नहीं इंटरकॉम या स्पीकर सा लगाया हुआ है, मुझे इतना टेक्निकल नहीं पता, उसमें से आवाज़ आती है कि अब लाइन बनानी है कुछ, तो गार्ड आपको कहता है लाइनें बनाओ। एक चमकीली सी खिड़की है जिसके आप सामने जाके खड़े हो जाते हो, जिसमें आपको पता नहीं चलता कि पीछे जिन भूत है या कौन है। बाहर एक औरत की आवाज़ हल्की सी आई थी तो मैं समझ गई थी पीछे औरत है, क्योंकि हाथ तक नज़र नहीं आता। और मुझे लगता है कि अगर इतना ही तुम्हें डर है पाकिस्तानियों से तो कॉन्सुलेट यहाँ क्यों खोल के बैठे हो। ठीक है तुम सिक्योरिटी मेजर्स लो, लेकिन अब इतना भी क्या डरे हुए हो यार, बहुत ही बुरी तरह, इतना डरा हुआ मैंने किसी कॉन्सुलेट को कभी नहीं देखा। तो खैर उसमें ये होता है कि मेरे साथ खास तौर पे हुआ था कि वो कुछ बता ही नहीं रही थी। उसने क्या किया था, इतनी देर पहले बैठ ही रही मैं बाहर, बैठ ही रही खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके लाइन बनी उस खिड़की जिस पे एक सबने आप अपने घर की दीवार की तरफ रुक करके बैठ जाए, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप दीवार से बात कर रहे हो, बल्कि वो बात भी नहीं कर रही थी। अच्छा, मैंने अंदर अपनी चीज़ें जब खिसकाई, जब मेरी बारी आई तो मैंने उसको बोला कि डू यू वॉन्ट माई पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, उसने कहा हाँ, तो मैंने अंदर खिसका दिया वो भी ओरिजिनल। उसके बाद उन्होंने गार्ड ने कहा कि आप सब बाहर वेट ही करो, बाहर ही थे वेट करो। अब इतनी देर तक हम बैठे रहे तो मुझे यही लगा कि वो सबके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर रही है या उसके साथ ही जो भी हैं, मुझे क्या पता था अंदर बैठ के पकौड़े तल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब उसने काफ़ी देर बाद सबकी नारे मारने शुरू किए, गार्ड ने कहा लाइनें बनाओ, जब हमने लाइन बनाई हमारे बारी बारी नाम आ रहा था, तो जब बारी आई तो उसने मुझसे कुछ बोला ही नहीं, उसने मुझे कहा कि पैसे दे दो फीस के, जो जितने मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कितने थे, तो वो मैंने दे दिए उसको। उसने कि इतनी हथेली के साइज़ के जितनी बड़ी एक स्लिप दे दी, कुछ बोली ही नहीं। मैंने कहा जब इतनी देर तक अंदर पकौड़े तल रही थी तो सभी के डॉक्यूमेंट्स देख लिए होंगे, कोई कमी जिसकी लगी थी वो बता रही थी, एक आध को किसी को उसने शायद बताया था, मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा सही है मेरा सारा, वैसे भी दो नंबर काम मैं करती नहीं, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान बदनाम होता, सबसे बड़ी बात मुसलमान होते हुए फ्रॉड करना सही नहीं है। तो अब जब उसने सब एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने कहा ठीक है, सब सही लगा होगा इतनी देर बाद हमें खौर करा के जो बुलाया। अब वो पता चला स्लिप लेके जब मैं आ गई तो वही हुआ कि जब उस पर लिखा हुआ था 7 दिन बाद शायद कॉल करना, और मैंने 5 दिन बाद कॉल कर दिया, तो उसने कहा कि योर थिंग इज़ डन या पता नहीं यू कैन कम। तो जब मैं आई मैं बड़ी खुश थी कि मेरा वीज़ा मिल गया है। जब पासपोर्ट आगे खोला, रास्ते में मैं बस में जा रही थी, मुझे बाबा हालांकि गेट पे कह भी रहे थे कि बेटा खोल के तो देख लो तुम्हें वीज़ा मिले, मैं कह नहीं पापा ठीक है। पापा ने 2-3 दफ़ा मुझे टोका के बेटा ले देख लो देख लो, मैंने कहा नहीं सही है, असल में मुझे रक्षा या बस पकड़नी थी ना, उसकी फुहारी की वजह से मैं वैसे ही भागना चाह रही थी जल्दी। लेकिन जब तक मैं गली में जा रही थी मैंने खोल के देखा तो भैया पासपोर्ट पे कहीं भी ठप्पा ही नहीं था, और मैंने तकरीबन अगर मुझे सही याद है तो रास्ते में 4 दफ़ा मैंने कहा शायद धूप ज़्यादा है मुझे कम नज़र आ रहा है, एक वो सुबह होने लगता है ना कि जैसे एकदम आई साइट म्यूटेंट पावर कोई ऐसी हो। तो मैंने ना जब 4थी दफ़ा देख लिया ना, पहले तेज़ी से देखा, फिर आहिस्ता देखा, फिर स्लो मोशन में, फिर फलाने मोड में, जब कहीं नज़र नहीं आया मैंने कहा अब इतना भी अंधी नहीं हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन पहले मोबाइल में बैलेंस सच उधर ही से मैंने उसको गली मैं उन्हीं की गली में थी उधर ही से मैंने उसको कॉल करके कहा कि आपने मेरा पासपोर्ट दिया उस पर तो कहीं है ही नहीं स्टैम्प, तो मेरा रिजेक्ट हो गया। उसने कहा जी रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा तो कुदरत या बात है मुझे मैं आप मतलब यानी ये मतलब आप फॉर श्योर बताएंगे भी नहीं कि क्यों रिजेक्ट किया, करी नहीं, मैंने थैंक यू कह के लाइन काट दी। और अफसोस मुझे ये हुआ कि हर चीज़ ओरिजिनल है, हर चीज़ सही प्रोवाइड किया, जो जो तुमने कहा प्रोवाइड किया, और ऐसा भी नहीं है कि जो है किसी से बैंक स्टेटमेंट लेके बहुत करोड़ों रुपए दिखा दिए, मेरे पास है ही नहीं करोड़ रुपए तो दिखा दिए कहाँ से। लेकिन
फिर भी तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो अगर कल को मैं दोबारा फर्स्ट करने अप्लाई करती हूँ तो मैं तो यही चीज़ें दोबारा देती। अभी मैंने अप्लाई तो नहीं किया है वैसे, 2019 में ही आखिरी किया है। तो अगर 7,500 या 7,500 दोबारा ही फेंकने हैं, क्योंकि दोबारा ज़ाया करवाने का, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरी गलती क्या है, उसने कुछ बताया नहीं था लेते हुए भी और रिजेक्ट करते हुए भी, तो मैंने तो बिल्कुल हर चीज़ ओरिजिनल और जो जो उन्होंने कहा था सब प्रोवाइड किया, कोई दो नंबर ही नहीं। तो वो रिजेक्ट हो गया, अब मैं अगली बार किस बेसिस पे अप्लाई करूँ? फर्ज करें अगर मैं कर भी दूँ कल को, तो मुझे ये थोड़ी पता होगा मेरी गलती क्या, मैं यही चीज़ें दोबारा पकड़ा दूंगी। तो उस पर दे ना दें वो बात नहीं है, बात ये कि मुझे अभी अपनी गलती नहीं पता। तो ये कहानी है इसकी। और रिजेक्शन स्टैम्प जैसे मैंने बताया था उस पर नहीं थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी मुँह से कुछ भी, उसने एक लफ्ज मुझसे कोई बात ही नहीं की है, ना लेते हुए देते हुए, बस उसने एक ही, मैंने उसकी एक ही दफ़ा आवाज़ सुनी थी, एक तो जब उसने पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे कहा था यस दे दो, और एक जब उसने ये कहा था कि पे द फीस, बस तो मुझे पता था कि औरत से बात हो रही है किसी। तो ये कहानी है पूरी, पता नहीं अल्लाह जाने क्यों। और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए जब अप्लाई कर रही थी, तो मैंने उन्हें ये नहीं लिखा था कि मैं मुझे एक महीने के लिए वहाँ बोरिया बिस्तर लेके जाना है, मैंने तो बहुत ही कम दिन कहे थे, हफ्ते से भी कम दिन कहे थे, उसके हिसाब से सारा दिन दिया था। पता नहीं उसको क्यों लगा कि मेरा मुझे नहीं देना चाहिए वीज़ा, क्योंकि एक ब्लैंक पासपोर्ट पर ज़्यादा धड़का होता है आमतौर पर लोगों को और मुझे भी, कि जैसे रिजेक्ट, लेकिन वैन समबड़ी आज इस तरह का पासपोर्ट उस पर भी वो रिजेक्ट कर दो, पता नहीं होता क्या हुआ है। तो ये थी, ठीक है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।